everyone, welcome back to Science Tutorial 04. So in this video I'm going to begin with the next topic jo ki hai abiotic factors. Biotic and abiotic factors ke bare mein introduction video maine last video mein aapke sath share kiya tha, and is video mein main seedha start karungi. Ye वैसे abiotic and biotic factors wo factors hote hain jin par depend karta hai ki particular area mein kis tarah ka vegetation, kis tarah ke organism, kis tarah ke टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वगैरह वहाँ पे सर्वाइव करें. लाइक डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे एलोवेरा सर्वाइव कर सकता है, बट नॉर्मल प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. ठीक है, एंड कैमल जो है वो अडेप्टेड है ऑलरेडी वहाँ के डेजर्ट के एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग. ठीक, ए बायोटिक फैक्टर्स में दो फैक्टर्स की बात आज की इस वीडियो में करूँगी. पहला है टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ वाटर. टेम्परेचर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एबायोटिक. आउट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स टेम्परेचर तरह का वेजिटेशन एंड किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर एरिया में प्रिवेल करने हैं. सेम सिमिलरली वही कैमल वाला एग्जांपल जो मैंने अभी दिया उसी तरह का यहाँ पे फिट हो जाएगा. ठीक, तो इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, एक स्टेनोथर्मल एंड एक यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके वो कहलाते हैं यूरीथर्मल, यानी कि जो कम रेंज है टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर ले और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर ले वो होते हैं यूरीथर्मल. स्टीनोथर्मल में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसा ना कर पाए, सर्वाइव ना कर पाए ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर एक बहुत रिमार्केबल फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड काइंड ऑफ प्लांट्स स्पीशीज जो कि उस जगह पर सर्वाइव करें. नेक्स्ट फैक्टर इज़ वाटर. ये भी एक रिमार्केबल फैक्टर है एंड वाटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एरिया में कौन से पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाटर में किस तरह के एक्वेटिक लाइफ प्रिवेल करेगी. जैसे अगर सैलिनिटी ज़्यादा है या पीएच ज़्यादा है, पीएच कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलर पानी में, तो वहाँ पर किस काइंड की फिशेज सर्वाइव करेंगी और इधर एक्वेटिक लाइफ इस पर ही डिपेंड करती है. फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, किस काइंड का वाटर है, उस काइंड के वाटर पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिशेस, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रिवेल करेंगे. ठीक है, तो वाटर में तो ये चीज़ आई होप्स आपको समझ में आ गई हो. इस वाटर में भी हम लोग इसी टेम्परेचर की तरह दो चीज़ देखेंगे, सैलिनिटी के बेसिस पर यूरी हेलिन एंड स्टेनो हेलिन सैलिनिटी के बेसिस. ठीक है, दैट कैन अंडरगो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन अंडरगो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. दोज ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर यूरी हेलिन एंड दोज हु कांट अंडरगो और टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी कम्स अंडर द स्टेनो हेलिन. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के एबायोटिक फैक्टर्स कवर करूंगी. इफ द वीडियो हेल्प यू, प्लीज एक लाइक बटन टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर वंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.